आज मैं चलने वाला सुंदरबन का जो एक प्रसिद्ध शिव टेम्पल बनने वाला है, राम जानकी मंदिर। और यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित किया गया, ये शायद भारत की सबसे बड़ी शिवलिंग है। तो उस तरफ गौशाला बना रखा है और इस तरफ भी देखो पूरा जंगल था काट के ग्राउंड, उसके बाद उस तरफ खेती बाड़ी के लिए, और अंदर भी साफ सफाई कर दी गई है। फिलहाल अच्छा लगता है। और मंदिर का लुक कुछ इस तरीके से, और उस तरफ मस्त झूले भी लगा रखे। का लुक देख लो, ऐसा है कुछ श्री राम जानकी मंदिर। मस्त बना है, अभी अंदर चल के दिखाते हैं, साथ परमिशन नहीं मिलेगी, ट्राई करते हैं। तो गाइस अंदर का लुक देखो, एकदम मस्त पेंटिंग वेंटिंग कर दिया गया है। पेड़ भी देखो कितना मस्त सजा रखी। तो उस तरफ शिवलिंग है, लेकिन बोले कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भगवान को हम पब्लिश कर सकते हैं। तो देखो इस तरफ तो एकदम मस्त हरियाली है, उस तरफ यार बहुत पेड़ काट दिए, लेकिन सजावटी तो मस्त की गई है। और गाइस देखो पहले यहाँ पर ऐसा था, इसके अंदर मड़ई के अंदर हम थे, फिर वहाँ से हमने फोटो लिया था इसका, तब एक कलर वलर कुछ भी नहीं था, नए मंदिर भी था, मंदिर था लेकिन छोटा सा था। और शिवलिंग जो है वो ये देखो यही है, हमारे पास कुछ फोटो हैं। तो गाइस ये वाला फोटो देखियो, और ये जस्ट ऐसा लिया था, पिछले 4 सालों में देखो कितना बदल गया। कभी याद करेंगे कुछ यादें, देखो भंडारे के समय ऐसा और अभी कोई है ही नहीं। गाइस बस यहाँ का यही था क्लिप, जो भी था हमने आपको दिखाया, लास्ट लुक। तो अभी चल रहा देखो ऐसा ऐसा जंगल के अंदर, यहाँ पर मस्त वाली फीलिंग आ रही, एकदम ठंडा ऐसा है नज़ारा, अंधेरा ही रहेगा। थोड़ा अंदर चलते हैं, इस तरफ एक तालाब है लेकिन सूखा हुआ है, पानी नहीं है। और अगर यहाँ से गिरा तो केवल हाथ टूटेंगे, पैर नहीं, क्योंकि अब तो कभी इसके अंदर चलकर दिखाएंगे, यानी एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं अपने घर। और रास्ते में देखो ऐसी बहुत सारी रस्सियाँ मिलेगी, लेकिन किसी काम का है नहीं। तो पहले देखो ये वाला डाल पकड़े हम लोग मस्त झूला झूलते थे, और अभी देखो ऐसा के ऐसा ही है। 4 साल पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। बचपन वाली फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कुछ यादों के साथ जी सकते हैं, मजे। और अंदर देखो कितना घना है। तो इन्हें टेस्ट करते हैं, खाने तो नहीं चाहिए लेकिन ट्राई कर सकते हैं। जंगल का लास्ट लुक और इस तरह मंदिर। तो देखो अभी आया उस तरफ से और मंदिर,
देखो इस तरफ मस्त जंगल है, और जंगल को जंगल ही रहने दे तो बेहतर है। देखो उस तरफ जला दिए हैं, इतनी खतरनाक गर्मी हो रही, दूर दूर तक कोई नहीं, आसमान में बादल है इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप रहती तो शायद इससे कम ही रहता। Yep.